इस पवित्र भूमि पर मैं आप सबका, मृतवासियों का और बच्चों का और जितने भी महान हो वाय पधर है इस कार्यक्रम में, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। आज अति हर्ष हो रहा है कि आज 8 अप्रैल को दिन ही हमारा विश्व बंजर दिवस है और आज ही के दिन हमारे जो यूथ की जो उद्गम स्थल है, उद्गम हुआ, वो आज ही के दिन हुआ। बंजर यूथ का भी आज एक वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस एक वर्ष के उपलक्ष्य में आपको एक बार वापस पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ। बंजर यूथ राजस्थान की नींव हमारे मित्र सुमेट जी मुछाल, जीतू जी मुछाल, जाले जी बढ़तिया और रूप जी अरे वाले और मनोहर जी, ये चार पांच छह जो इस बंजर यूथ राजस्थान की नींव का उद्गम किया। यहाँ से तो धीरे धीरे जो प्रयास रहा अपना चरण पर अलग अलग स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चलते रहा। हमारा जो पहला जो प्रोग्राम था या 8 अप्रैल पिछले वर्ष इसी तपोभूमि में था। दूसरा जो प्रोग्राम था 1 मई को नागौर में, ओरजाराम जी जो फार्मासिस्ट है और प्रधान संपादक है उस, और ताराचंद जी डीटीओ साहब अभी 8% डीटीओ है, तो उन्होंने उस प्रोग्राम में शामिल हुए। दूसरा हमारा प्रोग्राम था मघराना के अंदर, तो वहाँ पर मित्र मंडल ने हमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया। भीम जी है, सुरेश जी है, वहाँ पूरा पूर्ण रूप से हमें वहाँ सहयोग दिया। तीसरा हमारा प्रोग्राम हुआ बांदरवाड़ा में, जहाँ सुरेश जी बढ़तिया, अवतार जी मुनाव साहब और रोके जी, ये सब मिल के इन्होंने इनका बहुत सहयोग रहा। उसके बाद हमारा कादरा प्रोग्राम हुआ, वहाँ मनोहर जी, रूप जी और गजेंद्र जी का पूर्ण रूप से सहयोग रहा। विजयनगर में अशोक जी, गणेश जी, पूर्ण जी का सहयोग रहा हमारा। और फिर विजयनगर बाद एक हमारी मीटिंग हुई अजमेर के अंदर, तो वहाँ से हमारा जो संस्था का पंजीकरण नहीं हुआ था, तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जो आज किसी भी संस्था होना नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन संस्था का पंजीकरण होना बहुत महत्व रखता है। 3 साल के बाद ये पंजीकरण हम लोगों के लिए बहुत काम आएगा। तो हमने वहाँ से ये कहा कि हम इस संस्था का पंजीकरण करते हैं। तो उसके बाद हमने अजमेर से रवि जी के माध्यम से वहाँ पंजीकरण कराया। अजमेर के बाद हमारा प्रोग्राम हुआ किला में, वहाँ संपत जी ने और शंकर जी है सरपंच साहब, उन्होंने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया। फिर अभी जो पिछला जो प्रोग्राम था हमारा छोटे खाटू के अंदर था, वहाँ जितेंद्र जी और चेनाराम जी बढ़िया ने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग करा। अब रहा है कि बैग बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है। जब मैं बंजर राजस्थान में पिछली बार आया था तो मैं ना तो सुमेर जी को जानता था, ना रूप जी को जानता था, ना मनोहर जी को जानता था। तो आज जो मेरा जो परिचय हुआ है, जो इनसे निकटता मेरे से निकटता बनी है, तो इस यूथ के संतन के बैनर तले ही मेरा इनसे लगा हुआ। तो आज ये जो जिस प्रकार मीरा ने कृष्ण के लिए भक्ति में लीन होकर दी है, उसी प्रकार से मैं भी इस संतन के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहता हूँ। जहाँ ये युवा मुझे बुलाते हैं मैं हमेशा वहाँ पर तैयार रहता हूँ। ये सिर्फ हमारा बैग बांटना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम चाहते हैं कि हम हमारा समाज में शिक्षा की जागृति फैले। आज शिक्षा का जो स्तर है बहुत निम्न स्तर है। मैं कल भी वहाँ मेरठ में घुमा था, वहाँ देखा मैंने काफ़ी ऐसे कंडीशन थी घरों में कि वाकई में वहाँ पर शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा समाज का हर बच्चा उसके हाथ में कलम हो, बैग हो, हर कॉपी हो, ऐसे कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। इसी शिक्षा के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना है। और ये बंजर उतरा शिक्षा के साथ साथ एक संगठनात्मक हमें एक करता है। आज हम जैसे राजस्थान है तो हम मारवाड़ लोबी से हैं, तो सामरवाड़ी से सामर लोबी से, तो हमारा गोड़वाड़ से है, तो हम चाहते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य से हम आपस में एक संगठनात्मक एक हो जाए। तो हमारे बांसवाड़ा में संपर्क चल रहा है, गोड़वाड़ में संपर्क चल रहा है और पाली सुरेश जालौर उत्तरी पर चल रहा है। तो हमारा जो संगठन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उन जिलों को भी कवर करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नागौर, जोधपुर, मेड़ता या इस बेल्ट को कवर करेंगे। हम चाहते हैं पूरे राजस्थान में एक अच्छा संगठन का ढांचा बने, ताकि हमारे जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत हो सके। और मैं आप इस मंच के माध्यम से आप सभी युवाओं को अपील करता हूँ कि हमारे संगठन से जुड़े हर समय। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हर आप हर कार्यक्रम में समय दे सकते हैं, लेकिन 4 कार्यक्रम होते हैं तो 2 कार्यक्रम में आप उपस्थित दर्ज कराओ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और इस जो स्लोगन है चलो गौर शिक्षा की ओर, तो ये जो अभियान है इसको आगे बढ़ाना आप सभी समाज बंधुओं का कार्य है। मेरे साथ साथ एक बार बोलो चलो गौर शिक्षा की ओर, चलो गौर शिक्षा की ओर, चलो गौर, चलो गौर। जय हिंद, जय भारत।